सब्सक्राइब कीजिए फोन मैग्नेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, वीवो ने अपना नया स्मार्टफोन वीवो X21 इंडिया में लॉन्च कर दिया है, लेकिन अगर आप ये फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो पहले ये पांच फीचर देख लीजिए जो कि इस 36,000 के फ़ोन में मिलना चाहिए थे लेकिन नहीं मिल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश, आप देख रहे हैं फोन मैग्नेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहली कमी वीवो X21 में यह है कि 36,000 के इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर मिल रहा है। हालांकि प्रोसेसर में कोई कमी नहीं है, लेकिन इस रेट के हिसाब से कमी है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर आपको 20 से 25,000 के फ़ोन में आराम से मिल जाता है। इस प्राइस रेंज में आपको स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 845 प्रोसेसर मिलना चाहिए था, बल्कि OnePlus 6 जो कि 35,000 का फ़ोन है उसमें भी आपको स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर मिलता है। दूसरी कमी है दोस्तों, इस फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल रहा है, जबकि उसके बाद गोरिल्ला ग्लास 4 और 5 दोनों दस्तक दे चुके हैं। आपको इस प्राइस रेंज में आराम से गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन वाले फ़ोन मिल जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या कारण था वीवो X21 में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 मिलता है। तीसरा फीचर है दोस्तों जो आपको इस फोन में नहीं देखने को मिला हुआ है, USB Type-C। आप कंज्यूमर से 36,000 रुपये ले रहे हो, सिर्फ USB to Micro USB केबल दे रही है, तो हर बजट फ़ोन में मिल जाता है। अगर आप वीवो X21 में USB Type-C केबल दे देते तो अच्छा होता। चौथी कमी जो मुझे वीवो X21 में लगती है दोस्तों, इसकी बैटरी लाइफ, क्योंकि वीवो X21 में आपको सिर्फ 3200 mAh की बैटरी मिलती है। इस प्राइस रेंज में 4000 mAh की बैटरी तो मिलनी चाहिए थी। हाँ, नॉर्मल यूज में ये बात करें तो आपको एक दिन निकाल ही लेगी, लेकिन अगर हैवी यूज की बात करें तो 4 से 5 घंटे से ज़्यादा ये टिक नहीं पाएगी। और अब पाँचवीं कमी दोस्तों देखें तो वीवो X21 में वो साफ तौर पर नज़र आती है, वो है इसकी प्राइस। पहले तो मैं इसका कारण बताता हूँ, वीवो X21 की प्राइस इतनी हैवी क्यों है, क्योंकि दोस्तों वीवो ने X21 की प्राइस इतनी हैवी इसलिए रखी क्योंकि इस फोन के अंदर आपको मिलेगा डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर। कंपनी ये सोच रही है कि सिर्फ एक इस फीचर की वजह से लोगों से जितना रुपए चाहे उतने ले सकेंगे, लेकिन ये वीवो को गलत फहमी है या वो जानबूझ कर अनजान मर रही है कि ये इतना बड़ा फीचर भी नहीं है कि लोग इसके बिना काम ही नहीं चला पाएंगे। अगर डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर ना होकर फोन के पीछे की तरफ हो तो क्या वो अलग काम करेगा? काम तो दोनों फिंगरप्रिंट सेंसर फ़ोन को अनलॉक करने का ही कर रहे हैं। अगर एक फिंगरप्रिंट सेंसर को छोड़ दे तो दोस्तों इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन आपको 20 से 22,000 के फ़ोन में आराम से मिल जाएंगे। अब वीवो की बहन ओप्पो भी 14,000 रुपये में 6 GB रैम और 128 GB की इंटरनल मेमोरी वाला फ़ोन दे रही और उससे कुछ सबक भी नहीं सीखा वीवो ने। वीवो को शायद ये पता नहीं है इंडिया और यहाँ पर वैल्यू ऑफ मनी वाले प्रोडक्ट ही चलते हैं। यह अलग बात है अगर आपको लोगों के सामने शो ऑफ करना हो कि भाई मेरे फ़ोन के डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर, वो अलग बात है, तो आप इस फ़ोन को लेने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप वैल्यू ऑफ मनी वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आपको इससे भी कम प्राइस में इससे भी तगड़े फीचर वाले कई फ़ोन मिल जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को लेकर आपको मन कोई सवाल है तो जान नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और देने के लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोजाना लाता रहता हूँ ऐसे वीडियो।